उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या भी कर दी गई थी। अब इस घटना में शामिल दो आरोपियों सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया गया है। दो मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। उनके पैरों में गोली लगी है। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ नानपारा कोतवाली के बाईपास पर हुई। घायल आरोपियों को इलाज के लिए नानपारा सीएचसी में भर्ती किया गया है। सीएचसी के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के नाम सरफराज और तालिब हैं। सरफराज की मौत की बात कही जा रही है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है और ये भी मुख्य आरोपी है। वहीं बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, उसकी बेटी रुखसार बता रही है कि कल 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे दो भाई सरफराज फहीम और उनके साथ एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया है। मेरे पति और मेरे देवर को पहले उठाया जा चुका है, किसी भी थाने से उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही। हमें डर है कि उनका एनकाउंटर कर हत्या की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने परिजनों की सुरक्षा की अपील की है। उधर एसटीएफ चीफ और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके अनुसार 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे बहराइच में, जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्लिक्रेशन हुआ है, वो मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फहीम और मोहम्मद अफजाल। इसमें से 3 नामजद थे, 2 इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए थे। ये पुलिस द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के अटेम्प्ट के समय गिरफ्तार किए गए हैं। जो अभी स्केची इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक छोटा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और तत्पश्चात ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो अमिताभ यश, क्या सरफराज मारा गया है या गिरफ्तारी हुई है, इसको आप क्लियर करिए। अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो 5 के 5 गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ अमिताभ जी, क्योंकि जो सरफराज की बहन है उनको उनकी बात हम सुनवा रहे थे। उन्होंने सुबह बयान दिया था काउंटर कर सकती है उनके भाई का, उनके गंभीर आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हो सकता है कि उन्हें कुछ संशय हो, जिस प्रकार का अपराध उनसे हो गया था या उन्होंने किया था जी, तो उन्हें थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। वहीं सरफराज के एनकाउंटर की खबर पर सरफराज की बहन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा कि रविवार को जो वहां दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। हम निवेदन एक माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। बता दें कि रविवार को बहराइच में दुर्गा पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर गोली लगने से 22 वर्षीय युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और पथराव गोलीबारी में करीब 6 लोग घायल हो गए थे।
रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद बहराइच में हिंसा फैल गई थी। भीड़ द्वारा बड़े स्तर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। भीड़ ने घरों, दुकानों, शोरूम, अस्पतालों, वाहनों आदि में आग लगा दी, जिसके बाद बहराइच पुलिस ने कई अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर अब तक 55 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों से दूर रहें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें। सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक पोस्टरों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है।